वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने अभी डीपीआर का फर्स्ट पार्ट आपको बताया था, अब हम लेके आए हैं डीपीआर का सेकंड पार्ट। और डीपीआर के सेकंड पार्ट में हम डिटेल कुछ नेक्स्ट पॉइंट यानी कि डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों का यूज करना है उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर बात की थी, उसमें मैंने आपको सभी डॉक्यूमेंट बताए थे जिसके अंदर कि आपको एक डीपीआर बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और गाइज, मैंने आपको ये पहले फर्स्ट लेक्चर में क्यों लिया, इसके पीछे रीजन था ताकि आपको डीपीआर बनाने में दिक्कत नहीं आए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि किसी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही डीपीआर बनाने के लिए यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। गाइज, अब हम जो सेकेंड वीडियो बना रहे हैं इसके अंदर हमारा इंटेंशन है कि आपको थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज और देना, यानी कि वह नॉलेज तो थी सिर्फ एक अपर नॉलेज, अब आपको थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करेंगे। इसमें एनालिसिस हम दो तरह के करेंगे गाइस, एक करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस और दूसरा करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अब आपको मैं एक कदम और आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, यानी एक सीढ़ी हम और चढ़ेंगे कि हमें कौन कौन सी रिपोर्ट यानी कौन कौन से हमारे जो हमारी 60 पेज की, 50 पेज की, 40 पेज की जो रिपोर्ट बनेगी उसमें कौन कौन से बाइफ्रिकेशंस होंगे। ओके गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम समरी रिपोर्ट की। समरी रिपोर्ट में क्या आएगा, समरी रिपोर्ट में आपको अपने बारे में समरी देनी है कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, क्या प्रोजेक्ट मैं चालू कर रहा हूँ, कैसे है मैं, कौन हूँ, मेरा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा हुआ है, हमारी टीम क्या करती है, हमारे पास कौन से सर्टिफिकेट्स हैं। यानी गाइज, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जितने पेपर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर रेडी करवाए थे, सेकंड वीडियो में वो सारे पेपर यूज में आने हैं। अब देखना कैसे कैसे वो पेपर यूज में आएंगे। आप समरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें लिखेंगे कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट, उसका आपका पैन कार्ड आ गया, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया, आपने उसमें यूज करेंगे कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, ध्यान है आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के बारे में। सेकंड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग रिपोर्ट। गाइज, मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखाए थे कि आपको एनओसी लेनी है अगर आपकी खुद की है, मैंने आपको लिखाया था प्रॉपर्टी पेपर्स। तो ये क्या काम करेंगे, ये आपको बताएंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग रिपोर्ट के अंदर क्या बिल्डिंग मेरी है या मेरी रेंटेड है। यानी अभी तक तो मैंने सिर्फ आपसे पेपर तैयार करवाए थे, लेकिन अब उनकी समरी बनाना शुरू हो चुका है इनके अंदर। ओके गाइज, मैं अपनी थर्ड और फोर्थ वीडियो है उसके अंदर आपको थोड़ा सा उस पर कवर करूंगा कि लैंड एंड बिल्डिंग में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होंगे। अभी आपको ये सारे हेडिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी ये हेडिंग पॉइंट्स हैं। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी रिपोर्ट्स, यानी आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से आपके प्लांट्स लगेंगे, कैसे आपको उनका यूज करना है। ओके गाइज, अगला जो पॉइंट नंबर फोर है, इट्स प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिपोर्ट। गाइज, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप कोई भी मान लीजिए अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं, यानी आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं, आप अपनी कंपनी बनवाने के लिए किसी लीगल एडवोकेट या सीए के पास गए, उनको बोला कि सर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, और सीए ने आपसे अपनी फीस डिमांड की, यानी कि 20,000 रुपये या 15,000 रुपये या 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, एनीथिंग एल्स। तो गाइज, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी तो अभी तक बनी नहीं है लेकिन खर्चे शुरू हो चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना, कंपनी अभी बनी ही नहीं है, उससे पहले खर्चे शुरू हो गए, दैट्स कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो गाइज, अभी तक तो कंपनी का करंट अकाउंट ही नहीं खुला है, तो ऑब्वियसली वो खर्चे किसे बियर करने होंगे, उसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को बियर करने होंगे, यानी कि किसी फर्म के बनने से पहले होने वाले खर्चे की बात कर रहे हैं। ओके, अगला है यूटिलिटीज रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको क्या बिजली के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। मैंने बताया था आपको गाइज, क्या आपको वाटर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अगर बिजली है तो कितने हॉर्स पावर का आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगा, आपकी, मैंने इसमें सारी चीजें कवर है। अगला पॉइंट बात करते हैं कंज्यूमेबल स्टोर रिक्वायरमेंट, यानी कि बैंकर को बताना होगा कि मुझे कंज्यूमेबल स्टोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं बियरिंग का बिजनेस, बियरिंग के बिजनेस की बात करें गाइज, आपने देखा होगा बियरिंग की जब मशीन, बियरिंग जब बनती है मशीन के अंदर, उसमें ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक कंज्यूमेबल की तरह काम करती है। अगर आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बटन की रिक्वायरमेंट। ओके गाइस, ऐसे जो भी छोटे छोटे एक्स्ट्रा आइटम जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन ऐसे कंज्यूमेबल की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। पॉइंट गाइज, अगला पॉइंट है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रोजेक्शन,
यानी कि आपकी मशीन साल में कितनी बार रिपेयर होगी, ओके, या आपकी बार बार आपको रिपेयर मेंटेनेंस करानी होती है। मान लीजिए आप फूड इंडस्ट्री है, ओके, तो आपको पेस्टिसाइड करवाना होता है, यानी कि आपको इन चीजों का ध्यान होता है कि आपके खाने पीने के एरिया के अंदर किसी तरह का कोई कीड़ा, लाइक आपको कीटनाशक यूज करने होंगे, तो आपको टाइम टू टाइम रिपेयर मेंटेनेंस करनी होगी। अगला पॉइंट है गाइस, मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको उसमें अभी कितने लोगों की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर स्टिचिंग बिजनेस की बात करूँ, तो मास्टर टेलर, कटर, कटिंग करने वाला पर्सन हो गया, फिनिशर हो गया, प्रेसिंग हो गई, ओके गाइस। ऐसे ही आपके डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। गाइस अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम, पॉइंट नंबर 9 है प्रोजेक्ट रेवेन्यू डिटेल। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रीजन, जब तक आपका रेवेन्यू मॉडल तैयार नहीं होगा, तब तक आप बैंक के पैसे कैसे चुकाएंगे या फिर आप अपनी अर्निंग कैसे करेंगे, ओके गाइस। तो रेवेन्यू मॉडल आपका बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। मैं छोटा सा एक एग्जांपल बीच में लेना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई भी आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम एग्जांपल बात करते हैं एक ओला की, ओला, जैसे कि आप सब ओला उबर कैब के बारे में आपने सुना हुआ होगा, उसमें उनका रेवेन्यू मॉडल क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी शुरुआत में लोगों ने क्या किया कि फ्री में राइड्स दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो रेंटल अपना बढ़ाते चले गए ऐसे आज करके, लेकिन अभी भी वो लॉस में है, यानी तो आपको भी इन चीजों पर बहुत फोकस करना है कि क्या आप मार्केट में नए हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखनी है, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे उतारा जाएगा, तो पूरा एक रेवेन्यू मॉडल आपको क्रिएट करना होगा। अब गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और मैं इसमें बात करूंगा, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई भी मशीन शुरुआती दौर में अपनी पूरी कैपेसिटी पर कभी भी काम नहीं करती है, ओके। यानी मैं एक बात करूं कि एक मशीन है, मान लीजिए आप बियरिंग बना रहे हैं उस मशीन से, तो क्या पहले दिन ही आप क्या अपनी 100% कैपेसिटी पर काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग रेवेन्यू मॉडल तैयार करेंगे, तो रेवेन्यू मॉडल करने के साथ साथ हमारी कैपेसिटी लेवल भी हमें डिसाइड करनी होगी। शुरुआत में हो सकता है हम एक साल 60% कैपेसिटी पर काम करें। कैपेसिटी क्या होती है कि अगर मैं एक मशीन को 24 घंटे में चलाऊं तो मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर लूंगा उस चीज से, ओके। जैसे मान लीजिए एक कुर्ती को सिलने में आपको लगते हैं 20 मिनट, तो आप एक दिन के अंदर कितने पीस बना देंगे, क्योंकि आप सोचते हो ना कि भाई मुझे कितने लोग रखने होंगे, मैं अकेला कितना बना सकता हूं, तो मुझे 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। आप ऑर्डर्स लेते हैं तो आपको ये चीज भी तो डिसाइड करनी पड़ती है कि हम लोग एक दिन में कितने पीस बना लेते हैं। तो गाइज इट्स कॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो रेवेन्यू मॉडल को डिसाइड करने के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी इस प्रोडक्ट की। अब ये आपको इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हैं और आप शुरुआती एक मार्केट में आप सप्लायर हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने से हिचकते हैं। तो हो सकता है आपको मार्केटिंग के एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, आपको अपनी प्राइस कम रखनी पड़े, फ्री सैंपल्स ज़्यादा बांटना पड़े मार्केट में, कई बार तो आपको प्रोडक्ट्स यूं ही देना पड़े, ओके गाइस। ये था आपका प्रोजेक्ट रेवेन्यू मॉडल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका पूरा पैसा, पूरा प्रोजेक्ट इस पॉइंट पर डिपेंड करता है। गाइस अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट। जितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रेवेन्यू है, उतना ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कॉस्ट है। या तो पॉइंट नंबर 9 को आप बढ़ा लीजिए या पॉइंट नंबर 10 को आप कम कर दीजिए, दोनों में ही आपका फायदा होगा। यानी आप अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट को डाउन करेंगे, आपको लगता है कि मैं भी एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकता हूँ, या आपको लगता है कि अगर मैं अपना एफर्ट देता हूँ, या आपको लगता है कि हम घर के चार लोग मेंबर भी साथ में काम करते हैं, या आपको लगता है कि मुझे रेंटेड लेनी चाहिए या खुद की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैं क्या मशीनें खरीदूँ या जॉब वर्क करवाऊँ, आपको लगता है कि मुझे क्या अपने जो भी पेपर सारे सप्लायर्स हैं, मुझे माल बल्क में लेना चाहिए या छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट से लेना चाहिए, मुझे क्या सेलिंग, मुझे मेरी कॉस्ट मार्केटिंग की, मुझे काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर कवर होते हैं। आप लोगों ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखा होगा, P&L, उसमें काफी सारे खर्चे देखते हैं ये, तो उनमें आप कहाँ कहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, या आपको जब बैंकर अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे आप, तो आपके बैंकर को आपको पूरी डिटेल देनी होगी, ओके गाइस। मोस्टली दो तरह की कॉस्ट और दो तरह की रेवेन्यू होती है, पहली कैपिटल कॉस्ट और दूसरी रेवेन्यू कॉस्ट। अब कैपिटल कॉस्ट क्या होती है, ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कि जो किसी मशीनरी से रिलेटेड हो या किसी कैपिटल से रिलेटेड हो। रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो डेली वर्किंग के साथ खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी,
ओके, जैसे बिजली, यानी आप काम करोगे तभी वो खर्चे लगते हैं। आगे चलें गाइस, अगला है प्रोजेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि आपका जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपने बैंक से 3 करोड़ रुपए डिमांड किए, अब 3 करोड़ रुपए डिमांड किए तो मुझे मशीन के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे एम्प्लॉय की सैलरी के लिए कितना पैसा चाहिए, या मैं दूसरे तौर पर बात करूं तो मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए। ओके गाइस, तो हम इसे 2 तरह से मान सकते हैं कि कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। ओके गाइस, अगला बात करते हैं बैंक लोन रीपेमेंट शेड्यूल। ओके गाइस, बैंक लोन रीपेमेंट शेड्यूल में क्या है कि आप जो लोन लेने जा रहे हैं, एग्जाम्पल हमने 3 करोड़ रुपए की बात की, 5 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट है, तो 3 करोड़ के लोन को हम कितने वक्त में चुकाएंगे, यानी कि आपकी किश्त कितने रुपए की आएगी, आपका हर महीने का ब्याज कितने का आएगा। ओके गाइस, दैट्स कॉल्ड बैंक लोन रीपेमेंट शेड्यूल। गाइस अगला पॉइंट है मॉरेटोरियम पीरियड। अभी मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है गाइस, मॉरेटोरियम पीरियड यानी कि आप एक चीज सोचिए, क्या आपको अगर पहले दिन ही बैंक पैसा दे दे तो आप क्या दूसरे दिन ही माल बेचना शुरू कर देंगे, पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 3 महीने तो बनाने में लग जाएंगे फैक्ट्री को, फिर 3 महीने हो सकता है आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में लगे, आप रॉ मटेरियल भी लेके आएंगे, अपने एम्प्लॉयज को भी ढूंढ कर लाएंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, फिर आप मार्केट ढूंढेंगे, फिर आप उसको सेल करेंगे, और हो सकता है कि 1 महीने बाद आपका पैसा रिकवर होना शुरू हो जाए, दैट्स कॉल्ड मॉरेटोरियम पीरियड। ओके गाइस, तो मॉरेटोरियम पीरियड हो सकता है किसी बिजनेस में 1 साल हो, किसी में 6 महीने हो, या ट्रेडिंग की बात करूं तो 3 महीने या 1 महीने बाद ही मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हो सकता है। ट्रेडिंग क्या है, आज लाया अभी बेचना शुरू कर दिया, दैट्स कॉल्ड बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके। ओके गाइस, अगला पॉइंट है डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डेप्रिसिएशन शेड्यूल क्या है, आप एक चीज सोचिए, आज आपके हाथ में सबके में मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है तो क्या उस मोबाइल की वैल्यू अगले दिन इक्वल वही रहती है जितने आप खरीद के लाते, नहीं, बिल्कुल नहीं रहती है। अगर आप अगले दिन उसे बॉक्स में से निकाल कर खोल कर बेच के आएंगे तो उसकी वैल्यू डाउन हो गई, यानी कि आपके 30,000 का मोबाइल 20,000 रुपए का रह गया, तो एक दिन में कितना रुपया, 10,000 रुपया डाउन हो गया। तो गाइज इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन, बट जो हमारी अकाउंटिंग या हमारी टैक्सेशन की परिभाषा है उसके अंदर सरकार ने हर साल एक निश्चित प्रतिशत तय किया है। जैसे मशीनरी, मशीनरी में यह कहा जाता है कि 15% हर साल मशीनरी की वैल्यू डाउन हो जाती है, यानी कोई मशीन है अगर वो 1 लाख की है तो 1 साल बाद कितने की रह जाएगी, 85,000 रुपए की रह जाएगी। ओके गाइस, तो आप डेप्रिसिएशन समझ चुके हैं। ऐसे ही फर्नीचर पर 10% माना जाता है, कंप्यूटर पर 40% माना जाता है। ओके, अगला पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेटेड, यानी कि इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी का कैलकुलेशन क्रिएट किया जा सकता है। ओके गाइस, अगला पॉइंट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अब प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये क्या है गाइस, आपको जब मैं तीसरी और चौथी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर आपको उस बैलेंस शीट में कि कैसे आपको बनानी है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं। मोस्टली मैं अगर कॉमर्स की भाषा में बात करूं, एक बैलेंस शीट में असेट्स या लायबिलिटी होती है। ओके, तो आपकी असेट्स कौन कौन सी है, लायबिलिटी कौन कौन सी है, उनके बारे में आपको पूरी डिटेल बैंकर को देनी होगी। ओके गाइस, अगला पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यह क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट गाइस, यह बात करता है कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, यानी कि बैंक से पैसा आएगा और मेरी जेब से पैसा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बात किया था 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट के बारे में, 3 करोड़ कहां से आ रहा था, बैंक से आ रहा था, और 2 करोड़ रुपए मेरी सेल्फ कैपिटल थी। तो गाइज ये तो हो गई कैश की आने की बात, अब रही जाने की बात। तो गाइज 5 करोड़ में से हो सकता है 1 करोड़ मेरा कंस्ट्रक्शन हो, 1 करोड़ से 2 करोड़ मेरी मशीनरीज हो, और 2 करोड़ रुपए की मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, यानी कि मुझे अपने जो भी सप्लायर्स जिनसे मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कंज्यूमेबल्स खरीदूंगा, मेरे नॉर्मल डेली की सैलरी होंगी, जो मेरे डेली के एक्सपेंसेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होंगे, वाटर बिल होंगे, मेरे और भी जो रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होंगे, मेरे कन्वेंस के होंगे, ट्रैवलिंग के होंगे, टूर्स के होंगे, मार्केटिंग के होंगे, दैट्स ऑल एक्सपेंसेस कॉल्ड इज वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। मेरे कैपिटल एक्सपेंसेस क्या हुए, मेरे
जो मैं आपकी कोई बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूँ, मैं मशीन ले रहा हूँ, यानी अगर किसी भी एक्सपेंसेस का फायदा एक साल से ज्यादा के वक्त के लिए आपको मिल रहा है, इट्स कॉल्ड सीधी भाषा में कैपिटल एक्सपेंसेस। अगर वो खर्चा आपको एक साल तक ही लिमिटेड है, यानी जैसे सैलरी एक महीने में खर्च हो गया, अगले महीने दोबारा सैलरी देनी है मुझे। ओके गाइस, आगे चलें। अगला पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस। गाइस ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वह पॉइंट है कि मेरी किस लेवल पर आकर कॉस्ट की रिकवरी होगी। मैं आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप सभी के, मैं मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मार्केट में मैं उसका इतना प्राइस डिसाइड करता हूँ जिससे कि मेरी पूरी कॉस्ट की रिकवरी हो जाए, यानी ना तो मुझे एक रुपए का नुकसान हो या ना एक रुपए का फायदा हो, उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। आप समझ रहे हैं? आपने कई बार कई डायग्राम देखे होंगे, उनमें देखा होगा कि एक पॉइंट होता है जिसमें बोला जाता है कि ना तो एक रुपए का फायदा है इस लेवल पर, ना एक रुपए का नुकसान है। यानी कि एक, आप सभी अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उस लेवल पर तो पहुंचना ही होगा। अगर आप उस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे तो गाइज आप नुकसान में रहेंगे। अगर आप इस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो आप फायदे में होंगे। बिल्कुल। अगला है पे बैक पीरियड। गाइज ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, हो सकता है थोड़ा सुनने में आपको डिफिकल्ट लग रहे हो, बट बहुत अच्छी आपको सीखने को मिलेगा। पे बैक पीरियड। गाइस पे बैक पीरियड क्या है? पे बैक पीरियड की मैं बात करूं, एक ऐसा वक्त जिसमें आप अपनी कॉस्ट की रिकवरी कर ले। गाइस अभी कॉस्ट की बात कैसे होती है, मान लीजिए कि मैंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 5 करोड़ रुपए से, तो दोस्तों ये 5 करोड़ जितने अवधि में मुझे पूरे वापस मेरे हाथ में आ जाएंगे ना, उसे मैं बोलूंगा पे बैक पीरियड। मान लीजिए कि मैंने 5 करोड़ रुपए आज लगाए, ओके गाइस, और अब मैं 5 करोड़ में से मैंने 3 करोड़ का लोन भी लिया है, तो मेरे ब्याज के खर्चे भी होने हैं, ओके। तो गाइस ऐसे केस में जिस दिन मैं मेरा पूरा पैसा उतार दूंगा, साथ में जो मेरे रेगुलर डेली के एक्सपेंसेस चल रहे हैं उनके बराबर मैं कमा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 4 साल बाद मेरा लोन भी खत्म हो गया और मैं इतना कमाता हूँ कि जितना मैंने पहले लोन लिया था या जो भी मेरे खर्चे लगे थे पूरे रिकवर हो गए। कहते हैं ना कि मैंने मेरी पूरी जो मैं पूंजी लगाई थी वो तो मैंने निकाल ली मेरे बिजनेस से। तो गाइज जिस दिन वो पूरी पूंजी निकल जाएगी ना, उस दिन आपका बोलेंगे कि पे बैक पीरियड पूरा हो चुका है, यानी इस दिन आपका बिजनेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, यानी आपने अपना जो लागत लगाई थी पहले दिन वो आपने आज के दिन पूरे कर ली है। अब आप जो आगे कमाओगे वो प्रॉफिट चालू हो गया। ओके गाइज पेबैक पीरियड क्या होगा? जिस दिन आपकी लागत पूरी वसूल हो गई, रिकवर हो गई, जिसके बाद में आपका प्रॉफिट कमाना शुरू हो जाता है, तो दैट्स कॉल्ड पेबैक पीरियड। किसी का 3.5 साल होता है, किसी का 2 साल होता है। बैंकर पूछेगा आपसे कि कितने साल में पैसा रिकवर कर लोगे पूरा, आप बोलोगे सर 4 साल में पूरा कर लूंगा, 4 साल बाद में प्रॉफिट में आ जाऊंगा, 3 साल तो मैं भी सर्वाइव करूंगा। होता है ना स्टार्टअप्स में कि 2 साल सर्वाइव कर रहे हैं, 3 साल सर्वाइव कर रहे हैं, तो हम लोग 3 साल बाद पूरा कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। ओके गाइस अगला पॉइंट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कितने परसेंट से हम लोग इस पर मार्जिन कमा रहे हैं। यानी कि प्रतिवर्ष मान लीजिए हमने 20% से मार्जिन कमाया, 15% से मार्जिन कमाया, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल पॉइंट है। अगला पॉइंट बात करते हैं चेक डिफरेंट रेशियो। गाइस इस पॉइंट को मैं अपनी थर्ड और फोर्थ लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेशियो हैं, करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, और आपके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रेशियोज हैं। आपके लिक्विड रेशियो हो गया, आपकी कैपिटल कवरेज रेशियो हो गया, लीवरेज रेशियो हो गए, तो वो हम लोग थर्ड और फोर्थ लेक्चर में कोशिश करेंगे। अगला है अदर मैप पाई चार्ट्स। कोशिश कीजिएगा कि आप मैप पाई चार्ट से भी अपने बिजनेस के बारे में समझाओ, कि यानी कि आप इन सभी को कोशिश करें कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आ रहा है, मेरे रेशियोज क्या आ रहे हैं। ओके गाइस, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।